अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गुल्लू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग पिजन टिप्स। दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और मैं मेरे कबूतर खुलने जा रहा था अभी ऊपर में। दोस्तों इसकी पिछली वीडियो में आपने शायद से देखे होंगे कि हमारे कबूतर को झोला हो चुका था, तो दोस्तों मैंने इसको सीक्रेट लॉक में रखा था ये वाले। दोस्तों आज मैं इसकी कंडीशन बताऊँगा आपको कि कैसी होगी एकदम। दोस्तों जब मैं अभी ऊपर आया तो मतलब एकदम बेकार लगा कि इसकी कंडीशन देख के, तो अभी दिखाता आपको मैं। और हाँ दोस्तों, कल मैं जब शाम में कबूतर बंद कर रहा था तो शाम में जैसे एक जंगली कबूतर का पट्टा आया, तो उसको मैंने कल शाम में पकड़ा और पकड़ के दोस्तों उसका ट्रीटमेंट करा। दोस्तों उस पट्टी को भी सुखवा था जंगली के, तो उसको दोस्तों मैंने सिगरेट लॉक में रखा क्योंकि मेरा कबूतर रखने के लिए अभी जगह नहीं थी। तो दोस्तों जंगली पट्टा भी दिखा था आपको और वो झोले वाला कबूतर भी दिखा था। दोस्तों देखिए आप, दोस्तों ये झोले वाली माती देखिए किस तरीके से मुंडी हिला रही है। पहले दोस्तों इसको कम था मगर अभी ज़्यादा हो गया, इसलिए दोस्तों इसको मैं अपने बाकी कबूतर से अलग रख रहा क्योंकि काफ़ी सारे भाई ने मुझे कमेंट कर रहे थे इसकी पिछली वीडियो पे, गोलू भाई आप इस माती को अलग रखो। देखिए आप, बहुत बेकार हो गई एकदम कंडीशन इसकी। और दोस्तों एकदम ग्रीन ग्रीन बिट कर रही बस ये। और ये है वो जंगली पट्टा जो मैंने पकड़ा, इसको दोस्तों मैंने पेठी के ऊपर ही बिठा के रखा था क्योंकि इस माती को झोला है। और जंगली पट्टी का भी देखना है दोस्तों, आज रखूँगा नहीं तो इसको उड़ा दूंगा मैं। दोस्तों ये है जंगली कबूतर, ये पट्टा पकड़ा था कल शाम में मैंने, तो इसका शौक करा था आपको मैं कैसा है। और ये झोले वाला कबूतर है, अगर दोस्तों इसको हाथ लगूँगा तो हाथ धोना पड़ेगा दोस्तों सैनिटाइजर से, तो सैनिटाइजर भी ऊपर लेके आया मैंने अभी। देखिए आप किस तरीके से कंडीशन होगी एकदम। और ये है जंगली पट्टा, इसको दोस्तों इसके ऊपर ही बिठा कर रखा था और इसका मैंने कल सुखवे का ट्रीटमेंट करा। इस पट्टे का जब मैं आपको शौक कराऊंगा तो इसकी हड्डी भी दिखा दूंगा आपको, इसकी चेस्ट की हड्डी किस तरीके से निकली एकदम। तो दोस्तों इसको अलग रखता और जंगली को भी अलग रखता, नहीं तो दोस्तों हो सके तो इसको उड़ा दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसको रखना चाहिए जंगली को या इसको उड़ा देना चाहिए। वैसे पट्टा कबूतर एकदम मगर बीमार है, और वैसे भी ऑलरेडी हमारे पास में और एक जंगली कबूतर है जो कि मादी है। ये है जंगली कबूतर, तो इसका शौक कराता भी आपको मैं भाग छोड़ के, इसको हम हेयर देंगे। और दोस्तों ये है सैनिटाइज़र, अभी ऊपर रहेंगे क्योंकि दोस्तों हमारे कबूतर में झोले की बीमारी हो गई और ये वायरस फैलता है दोस्तों, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बाकी कबूतर में ऐसी प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको जंगली कबूतर का शौक करा था अभी, और अभी कबूतर भी खुलने को देखिए आप। दोस्तों ये है जंगली कबूतर, देखिए आप अभी आग सफा करने का पट्टा है, ये पर बांध के रखा इसके मैंने दस दस, एक पर इसने निकाल लिया देखिए आप खोल के खुद से। और दोस्तों देखिए आप पूरी हड्डी निकली इसकी बाहर, दोस्तों इसकी भी कंडीशन एकदम खराब है। अगर इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा दोस्तों बिना ट्रीटमेंट करे तो हो सकता है दोस्तों बचेगा नहीं है, क्योंकि बाहर दोस्तों अभी गर्मी का मौसम है तो बाहर ऐसा कुछ भी ऐसा दाना पानी है नहीं दोस्तों। और ये कबूतर हमारे यहाँ दाना पानी देख के चाहता, अभी इसके पेट में दाना पानी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसका ट्रीटमेंट करता फिर बाद में दोस्तों इसको छोड़ता। देखिए कुछ भी वजन नहीं इसके अंदर में, पूरा हड्डी बना है। दोस्तों 100 ग्राम भी वजन नहीं होगा इसका एकदम कबूतर का। और पंजे देखिए कैसे हो गए एकदम सूखे पंजे इसके। तो दोस्तों ये कबूतर पकड़ा था कल शाम में मैंने जब मेरे कबूतर बनकर रहा था। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है मेरे छत पे हमेशा दाना पड़ा रहता कबूतर के लिए, तो ये दाना देख के आया था छत के ऊपर में और दाना पानी खाया दोस्तों इसको, फिर पकड़ा मैंने और इसको लॉक में डाल के रखा। एकदम छटाक भर का पट्टा है और आग भी सफा नहीं करा इसने अभी। दोस्तों अभी मैं मेरे बाकी कबूतर खोलता और बाकी कबूतर में इस जंगली कबूतर को छोड़ता, तो दोस्तों देखना आप क्या इस जंगली कबूतर का हमारे बाकी कबूतर में क्या रिएक्शन रहता। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। दोस्तों अभी कबूतर खोल लिया मैंने और जो जंगली कबूतर आपको दिखाया उसको भी बाकी कबूतर में छोड़ के दिखाता।
और ये हमारे घर का पुरान जंगली है, अभी तो पेटी में रखा उसको मैंने। दोस्तों ये है जंगली कबूतर, अभी लॉफ्ट के अंदर भी चले गया। दोस्तों ज़्यादा बड़ा कबूतर नहीं, पट्ठे कबूतर है जंगली है। तो दोस्तों इसको रखना चाहिए या वापस उड़ा देना चाहिए? वैसे तो एक जंगली है मेरे पास, देखिए आप ये वाला। मुझे ऐसे कलर के जंगली कबूतर पसंद आते जो एकदम एंटी कलर में रहते। ये दोस्तों नॉर्मल एक हरा जंगली कबूतर है। अभी दोस्तों पूरे कबूतर खोला मैंने, और अभी कबूतर को खोल के रोटी डालता, और ये जंगली कबूतर है इसको भी रोटी खिलाता। देखना ये है दोस्तों कि रोटी खाएगा कि नहीं खाएगा, क्योंकि अभी नया नया आया है। दोस्तों सिर्फ घी खा रहा था जो नीचे पड़े थे यहाँ पे। देखते दोस्तों इसको क्या क्या होता है। वैसे दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि जंगली कबूतर निकल जाएगा हमारे से। ये मादी भी कल बीमार थी एकदम, मगर आज ठीक है थोड़ा। दोस्तों ऐसा कुछ मौसम है आज, देखिए ये हमारा कबूतर उड़ रहा है एकदम मस्ती में उड़ रहा। और यहाँ पे दो कबूतर चढ़ने गए हैं, मट्टी खाने जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। बस दोस्तों एक कबूतर को झोला हो गया हमारे, इस बात का मुझे बुरा लग रहा है एकदम। बाकी ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, बाकी कबूतर धीरे धीरे रिकवर हो जा रहे एकदम अच्छे से। तो दोस्तों अभी कबूतर को रोटी डालता मैं। दोस्तों देखिए आप, अभी हमारा जंगली कबूतर बाहर आया है जो कि हमने कल पकड़े थे। अभी दोस्तों थोड़ी देर में मैं मेरे कबूतर को दाना पानी देके बंद कर दूंगा। और दोस्तों जो हमारा झोले वाला कबूतर है उसका अलग से ट्रीटमेंट शुरू करूंगा मैं आज से। ये है हमारा जंगली कबूतर, दोस्तों देखेंगे इसको कुछ दिन रखेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे, फिर दोस्तों इसको उड़ा देंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी तक कि आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, आप चाहिए तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।